teaching. Last time we have completed the chapter number 1, that was matter in our surroundings. Hope you all have liked the videos. Today I am going to start a new chapter, that is chapter number 6, that is issues, which is included in the biology part of chapter standard 9. Today in this video we will start introduction of the chapter 6, that is issues. Before the introductory part, let us revise the chapter number 5, which was cell. Cell kya hai wo sab hum revise karenge. So before starting the chapter, agar aapne chapter number 5 ka videos nahi dekhe to niche description mein maine links di hui hai. So hope you all will enjoy it. Thank you very much. Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Noble Teaching. Today we are going to start the chapter, that is tissues. Tissues kaun sa chapter hai? Tissues chapter hai, chapter number 6, that is tissues, right? Chapter number 6, that is tissues. What is chapter number 6? Tissues. Before going through the chapter 6, we would quick recall about chapter number 5, that is cell. What is that? That is cell. As you all know that I have been prepared videos for cell. So let's revise it. What is cell? So cell, first hum dekhte hain uski definition. Kya hai cell? Cell kya hai? Cell is the structural and functional unit of life. क्या है सेल? सेल है स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट. क्या है सेल? सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चीज जो होगी, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. किससे बना होगा वो? सेल से बना होगा, राइट अब सेल सेल आया. अब पता चल गया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से. अब सेल को बनाया किसने, राइट? हु डिस्कवर्ड सेल? सो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किस सेल को डिस्कवर किया? कब किया? इन द ईयर 1665. और उसके बाद लेटर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल. मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अब किसने किया इवॉल्व बाद में? रॉबर्ट ब्राउन ने. तो चलिए ये पेज का हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं. हम पढ़ेंगे सेल. सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ लाइफ. फिर सेल किसको डिस्कवर किया? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर 1665, राइट? हम ये रिविजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा बेसिक अच्छा होगा तो हम आगे के वीडियोज या आगे का चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा. और आगे का चैप्टर टोटली इस बेसिस पे ही होगा. टिश्यूज, टिश्यूज क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर अभी हम रिविजन कर लेते हैं. क्या रिविजन करना है हमें अभी? दैट इज, अब यहाँ पर लिया मैंने ईयर, यहाँ पर लिया साइंटिस्ट और डिस्कवरी. किन किन चीज़ों की डिस्कवरी हुई, कौन से ईयर में हुई और कौन से साइंटिस्ट ने की, राइट? द फर्स्ट डिस्कवरी वॉज 1665 में क्या किया डिस्कवर? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया डिस्कवर? सेल डिस्कवर किया. फिर 1674 में एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, व्हाट? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम स्टडी किया. यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था वो था कौन सा था? वो था डेड सेल, राइट? कौन सा था? डेड सेल. बट जो इसने किया, किसने किया? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया. वो क्या था? 1674 में
स्टडीड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम कोई भी लिविंग सेल को देखने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? तो वो साइंटिस्ट था एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक. राइट. अब नेक्स्ट, हम नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं, दैट इज 1831. 1831 ईयर में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस. राइट. 1831 ईयर में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस. अब 1838 टू 1839, 1838 टू 1839, स्क्रेडन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे, स्क्रेडन एंड स्वान, एक था जुअलॉजिस्ट, एक था बोटनिस्ट. उसने उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दी सेल थियरी. क्या दी? सेल के बारे में थियरी दी. अब सेल की थियरी तो दे दी उन्होंने. अब 1855 में रुडोल्फ विर्शो नाम का साइंटिस्ट आया. क्या उनसे नाम का साइंटिस्ट आया? रुडोल्फ विर्शो. रुडोल्फ विर्शो ने क्या कहा? ऑल द सेल्स, ऑल द न्यू सेल्स आर मेड अप बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब कोई भी सेल्स पहले कैसे आते हैं बॉडी के अंदर? मतलब जब एक सेल डिवाइड होगा तभी दूसरे सेल फॉर्म होंगे. ये किसने कहा था? ये कहा किसने? रुडोल्फ विर्चो ने. कब कहा? 1855 में. नाउ लेट्स स्टार्ट द रिविजन. व्हाट इज 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर किया सेल. फिर 1674 में एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट आया जिसने पढ़ा द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. लिविंग सेल किसने पढ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उसका आंसर क्या होगा? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक. क्या था? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक. राइट. फिर आया कौन से आए साइंटिस्ट? फिर आया 1831 और रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. फिर 1838 टू 1839 में आए स्क्रेडन एंड स्वान. ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी दी. सेल थियरी किन्होंने दी? फर्स्ट सेल थियरी वॉज गिवन बाय स्क्लेडन एंड स्क्वान. आफ्टर इट वॉज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्शो. रुडोल्फ विर्शो ने क्या कहा? 1855 में रुडोल्फ विर्शो आया. उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो भी न्यू सेल्स है, जो भी नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. मतलब जो पहले से सेल्स होंगे उन्होंने वही सेल्स आगे डिवाइड होके आगे न्यू सेल्स बनाएंगे. तो टोटल सेल थियरी किस किस किन किन साइंटिस्ट ने दी? फर्स्ट ये स्क्लेडन एंड स्वान और रुडोल्फ विर्शो ने 1855 में. कब? 1855 में इसको मॉडिफाई किया. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. कितने टाइप्स के सेल्स थे हमारे पास? राइट. हमारे पास कितने टाइप्स के सेल है? हमारे पास देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल्स. कोई भी तरह के साइड दो तरह के सेल्स होंगे. फर्स्ट वन इज प्लांट सेल एंड अनदर वन इज एनिमल सेल. प्लांट सेल का मतलब जो सेल्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे दैट आर नोन एज प्लांट सेल्स, और जो सेल्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे दैट आर नोन एज एनिमल सेल्स. प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का हम आगे डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, हम उसको डिटेल में भी पढ़ चुके हैं. तो आप मेरे आगे के वीडियोस देखिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. अगर अच्छा लगे तो आप उसे आगे शेयर भी कीजिए. तो अगर आपसे ये क्लियर हो गया तो ये वीडियो को भी आप अच्छे से लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. अब ऑर्गेनिजम्स को भी उन्होंने टू टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड वन इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. राइट. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. अब यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर का डिफरेंस आपको मालूम होगा. यूनिसेल्यूलर क्या है? यूनिसेल्यूलर का मतलब, यूनिसेल्यूलर का मतलब है वन सेल, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर का मोर देन
वन सेल, मोर देन वन सेल, वो क्या होगा? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो से ज्यादा होंगे वो होगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और जो इसके अंदर दो से मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल होगा वो होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आगे भी आपको एग्जांपल्स बताए थे, अभी भी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊँ। एग्जांपल्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? इट इज फर्स्ट वन इज अमोइबा, अमीबा है, और पैरामिशियम है। अमीबा का आपको शेप मालूम है, अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, अमीबा कोई भी शेप का नहीं होता, जैसी चीज़ें होगी उसका शेप नहीं होगा, वो अलग अलग ही शेप में मिलेगा हमारे को। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या आएगा? प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स, और सारे के सारे फंगा, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? मल्टी सेल्युलर। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर, एंड सेकंड वन इज मल्टी सेल्युलर। कौन कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर के अंदर तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा सिंगल सेल, मतलब सिर्फ सिंगल सेल होगा। उसके अंदर एक सिंगल सेल क्या क्या परफॉर्म करेगा? सिंगल सेल ही सारे के सारे मतलब सारी की सारी जो चीज़ें होगी वो एक सिंगल सेल को ही परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो क्या क्या होगा? वो होगा मूवमेंट, मूवमेंट भी एक ही सेल करेगा। फिर मूवमेंट के बाद इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना लेना, इनटेक ऑफ फूड, वो भी सिर्फ यही करेगा सिंगल सेल। और फिर आएगा इनटेक ऑफ फूड, फिर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब होगा गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज मींस? गैसियस एक्सचेंज मींस रेस्पिरेशन। देन लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं ये जितने के हमने प्रोसेस देखे, ये चारों चार प्रोसेस राइट, वो सारे के सारे कौन करेगा? सिर्फ ये सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ सिंगल सेल होगा वो सारे के सारे प्रोसेस करेगा। वाइल अब मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं। मल्टी सेल्युलर के अंदर क्या होगा? सारे के सारे सेल्स अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करेंगे। हमारे अंदर तो बहुत सारे सेल्स है राइट, देर आर मोर देन टू सेल्स। जिसके अंदर मोर देन टू सेल्स होंगे वो क्या होगा? वो होगा मल्टी सेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो मोर देन टू सेल्स, तो हर एक चीज़ अलग अलग। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए अलग होगा। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास अलग सेल्स होंगे। फिर डाइजेशन के लिए हमारे पास अलग सेल होंगे। मूवमेंट के लिए हमारे पास अलग सेल होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। हमारे पास अलग अलग सेल्स होंगे, मतलब वी विल हैव डिफरेंट सेल्स फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एंड मूवमेंट। हमारे पास सबसे लिए अलग अलग सेल्स है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? अब ये क्या करते हैं? टोटल सेल्स हम देखते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज, व्हाट इज आवर टॉपिक? दैट इज डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज। सो व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो ग्रुप ऑफ सेल स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे और वर्क टुगेदर या फिर टुगेदर काम करते होंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब सिर्फ एक ही फंक्शन को अचीव करने के लिए सारे के सारे ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच हो जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे टिश्यूज। अब देर व्हाट इज टिश्यूज? अगर ये मैंने लिया एक सेल, ये लिया मैंने दूसरा सेल, ये लिया हमने तीसरा सेल, ये लिया हमने फोर्थ फिफ्थ,
तो ये सारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारे पास हो गया, क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यूज। अब ग्रुप ऑफ सेल जो हमारे पास होंगे वो जो सारे के सारे टिश्यूज फॉर्म करेंगे वो होगा टिश्यूज। तो अब क्या होता है टिश्यूज, देर आर मेनली मैनी काइंड ऑफ टिश्यूज, बहुत तरह तरह टाइप्स के होते हैं एनिमल्स टिश्यू, बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज माई डेमो लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड एज टिश्यूज। होप यू वुड हैव लाइक इट, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।